भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन आज अपना 36वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। शिखर धवन का जन्म 5 दिसंबर 1985 में हुआ था। गब्बर के नाम से मशहूर टीम इंडिया के इस बल्लेबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर कई मैच टीम जिताए हैं। बाएं हाथ के इस ओपनर के लिए ये साल मुश्किल भरा रहा है। इस बल्लेबाज को T20 वर्ल्ड कप टीम में भी जगह नहीं मिली थी। इसके अलावा उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक भी हो गया है। धवन को उनकी IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने भी रिटेन नहीं किया। तो चलिए जानते हैं गब्बर के जन्मदिन पर क्या कुछ खास बातें हैं। शिखर धवन साल 2004 में जूनियर विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में भी शिखर धवन का अहम रोल रहा था। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 338 रन बनाए थे, जिसके चलते उन्हें गोल्डन बैट दिया गया था। उल्लेखनीय है कि साल 2010 में डेब्यू करने वाले शिखर धवन ने 185 वनडे मैचों में 85 से अधिक की औसत से 6000 से अधिक रन बनाए हैं। टेस्ट की बात की जाए तो 34 टेस्ट मैचों में उन्होंने 40 की शानदार औसत से 23015 रन बनाए हैं। वहीं T20 करियर की बात की जाए तो धवन ने 68 मुकाबलों में 27 से अधिक की औसत से 1759 रन बनाए हैं। वहीं IPL की बात की जाए तो धवन ने 192 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 34 से अधिक की औसत से 5784 रन बनाए। धवन ने साल 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, जहां शिखर धवन के नाम डेब्यू टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 गेंदों में भी शतक जड़ा था। इसके अलावा धवन की लव लाइफ की बात करें तो क्रिकेट के मैदान पर बिंदास रहने वाले धवन की लव स्टोरी का अंत सुखद नहीं रहा। इसी साल सितंबर महीने में उनका पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया है। शिखर धवन ने अपने से 10 साल बड़ी और दो बच्चों की मां आयशा को अपना हमसफर बनाया था। दरअसल आयशा का परिवार ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उनके पिता बंगाली और मां ब्रिटिश है। पेशे से किक बॉक्सर आयशा की धवन से दूसरी शादी थी। दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों ने साल 2012 में शादी कर ली थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि फेसबुक के जरिए शुरू हुई एक प्रेम कहानी खत्म होने की खबर इंस्टाग्राम के जरिए मिलेगी। इस कपल ने 2012 में एक दूसरे का हाथ थामा था और 2014 में बेटे जोरावर का जन्म हुआ। 9 साल रिश्ते में रहने के बाद आयशा ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए तलाक की सूचना दी। अब ऐसे में शिखर धवन फिलहाल सिंगल ही हैं और तलाक के बाद अभी भी वो किसी नए रिलेशनशिप में नहीं है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका पर जाने भारतीय वनडे टीम में चुने जाने की संभावना है।